हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी उस लड़की को कैसे तड़पाएं जिसने आपको ठुकरा दिया है, जिसने आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी है, जिसने आपको नहीं समझा है। देखो, ये सिचुएशन जब भी किसी भी इंसान के साथ होती है, चाहे इग्नोर करना हो, रिजेक्ट करना हो, किसी के प्यार को ठुकरा देना हो, तो उस टाइम पे ज़्यादातर लोगों के मन में क्या विचार आता है, उस टाइम पे क्या चलता है कि अगर इसने मेरे साथ ऐसा करा है ना, तो मैं भी बदले में ऐसा ही करूँगा, इसको सबक ज़रूर सिखाऊंगा, ठीक है। और इस वजह से अक्सर लोग जो होते हैं, अगर ब्लॉक कर देते हैं, एक ने अगर ब्लॉक कर दिया है तो सामने वाला पर्सन भी ब्लॉक कर देता है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिजेक्शन होता है, किसी को ठुकरा देना, इग्नोर करना, उस टाइम पे लोगों का जो ईगो होता है ना, वो सामने आ जाता है कि उनके जो ये चीज़ होती है कि आप इसने मेरे साथ ऐसा करा क्यों। तो आपको एक लड़की ने अगर ठुकरा दिया ना, तो उसको तड़पाने के लिए आपको वैसे काम नहीं करने हैं जो वो खुद कर रही है, ठीक है। वैसे काम करोगे तो क्या होगा, आप भी उसी के कैटेगरी के आ जाओगे कि आप भी वैसे ही हो, आप ऐसे नहीं हो, ठीक है। आपको ऐसे काम करने हैं जिससे उस लड़की की नज़रों में आप ऊपर उठ सको, ठीक है। आपको ठुकराने के बाद उसको कहीं ना कहीं ये बात खले कि यार, मैंने इस लड़के के साथ गलत करा, ठीक है, इसको ठुकरा कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसको एहसास होना चाहिए कि आपको नहीं ठुकराना चाहिए था, उसके मन में ही गिल्ट होना चाहिए कि आपको ठुकरा कर उसने बहुत बड़ी गलती करी है, उसने एक ऐसा इंसान खो दिया है जो उससे बहुत प्यार करता था, ठीक है। और ये रियलाइज़ कराने के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, और उसी के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखो, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर एक ऐसी लड़की को आप अपना बनाना चाहते हो जो एक बार आपके प्यार को ठुकरा चुकी है, तो सबसे पहले तो आप अपने अंदर से ये चीज़ समझ लो कि उस लड़की की कोई गारंटी नहीं है कि आपके दोबारा ट्राई करने से कि हाँ भाई, आप कुछ और अच्छा कर रहे हो, तो वो आपको उतना प्यार कर पाएगी, ठीक है, उतना प्यार करेगी जितना कि आप उसे करते हो, ठीक है। आपको अपने दिमाग पे एक बात हमेशा ये चीज़ रखनी है कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो एक बार आपको ठुकरा चुकी है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके साथ अगर रिलेशनशिप में आ भी जाती है तो आप उतना प्यार करेगी, ठीक है। तो अगर आप मतलब मन से आप स्ट्रांग हो चुके हो ना कि आपको फिर भी उसी लड़की को इम्प्रेस करना है, ठीक है, जो ऑलरेडी आपको ठुकरा चुकी है, फिर भी आपको उसे ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है, ठीक है, उसको तड़पाना है, तो उसके लिए वो क्या आप क्या कर सकते हो वो जानो। देखो, सबसे पहले तो आप जो है ना, उसकी किसी भी चीज़ पर ना रिएक्ट करना बंद कर दो। देखो, जब हमें ये चीज़ पता होती है ना कि हम किसी इंसान को अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं कि हम उसे बहुत प्यार करते हैं, हम उसे बहुत चाहते हैं, ठीक है, हम जब तक उससे बात नहीं होती है तो अच्छा फील नहीं होता। कई बार क्या होता है, हम अपने पैरों पे गुल्लाड़ी ना खुद मार देते हैं कि हम किसी इंसान को इतना सर पे बिठा लेते हैं कि वो इंसान मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है, अपनी बातों से, अपनी हरकतों से। तो इससे क्या होता है कि वो जो सामने बैठा इंसान है ना, वो आपको एक तरह से कंट्रोल करना सीख जाता है कि आपको किस तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है, आप कहाँ तक हो, वो आपके लेवल को समझ जाता है कि आपको ऐसे करूँगा तो आप ये रिएक्ट करोगे, ऐसे काम किया तो आप इस तरीके से रिएक्ट करोगे। तो अगर आप उस लड़की को ये चीज़ रिलाइज कराओगे ना कि उसके ठुकरा देने से, उसके रिजेक्ट करने से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आपकी लव लाइफ जो है वैसे ही चल रही है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि लड़की जो है आपको ठुकराने के बाद भी उसको कहीं ना कहीं ये एहसास होगा, वो तड़पेगी या गलती कर दी, ठीक है, उसको रियलाइज होगा जब आप रिएक्ट नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है कि जब कोई इंसान किसी को इग्नोर करता है या ठुकरा देता है, तो ठुकराने के बाद भी ना वो उस इंसान पे नज़र ज़रूर रखता है कि वो उस टाइम पे क्या करेगा जब वो ठुकरा रहा है, उसके बाद क्या करेगा, ठीक है, कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो आपको लड़की के लिए ये नहीं दिखाना कि अभी उसने आपको ठुकरा दिया तो आप दुखी हो रहे हो, आपकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, बल्कि आप जो है अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करो, उसको दिखाओ कि उसके ठुकराने से आपकी लाइफ नहीं रुकने वाली, आपकी लाइफ वैसे ही चल रही है जिससे कि पहले चलती थी, दूसरों से बातचीत करना, घूमना फिरना हो गया, खुल के लाइफ को एंजॉय करना, तो ये चार सारी चीज़ें करो तो इससे आप उसे तड़पा सकते हो। इसके अलावा एक काम और करो कि आप जो है ना उस लड़की के सामने कुछ ऐसा करो कि जैसे कि ये होता है ना कि उसको ये फील हो कि हम भी ये जो है ना एक बहुत परफेक्ट बॉयफ्रेंड मटेरियल था, ठीक है, और उसने उसको ठुकरा दिया है। उसके लिए क्या है, आप अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज़
डेवलप कर सकते हो, ऐसे काम करना शुरू कर दो, ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दो जो एक लड़की अपने पार्टनर में देखना चाहती है। देखो मोस्टली लड़कियों की ऐसी चॉइस होती है कि वो ऐसे लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं जो उनकी केयर भी करें, ठीक है, उनको प्यार भी दिखाएं, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट भी करें। तो उसने आपको रिजेक्ट कर दिया लेकिन फिर भी आपका बिहेवियर जो है ना पहले से अच्छा होता जा रहा है। खासतौर पे उस लड़की के टच में जो लड़की है उससे जब आप बात कर रहे हो तो उस टाइम पे आप उसको अपनी क्वालिटीज शो ऑफ करो, दिखाओ कि हाँ आप इस टाइप के बंदे हो, ताकि उसको ये एहसास हो कि आप उसने बहुत अच्छा लड़का अपनी लाइफ से खो दिया है, ठीक है, जो उसे खुश रख सकता था। तो ये काम आप कर सकते हो। इसके अलावा लड़की को तड़पाने के लिए आप जो है ना और लड़कियों से बातचीत करना शुरू कर दो। देखो लड़की अगर किसी लड़के को ठुकरा देती है तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि ये जो लड़का है ना इसको कोई और लड़की भाव ही नहीं देती है, ठीक है, तो इसलिए ना ये मेरे पीछे पीछे भागता है। तो अगर मैं इसको ठुकरा दूंगी, अगर मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगी तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, ठीक है, कोई लड़की से बातचीत नहीं करेगी। तो आपको क्या करना है कि आप उसके सामने और लड़कियों से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, अपनी लाइफ में ऑप्शंस को बढ़ाओ। उस लड़की ने अगर ठुकरा दिया है तो आपके लिए लड़कियों की कमी नहीं है, तो इससे भी चांस होंगे कि लड़की कहीं ना कहीं आपको खोने के बाद तड़पेगी, ठीक है। क्योंकि अगर एक लड़की लड़के को सभी लड़कियां पसंद करती हैं, ये चीज आपने नोटिस करी थी स्कूल में कॉलेज में कि क्लास में एक लड़का तो ऐसा जरूर होता है जिसको कॉलेज या क्लास के सभी लड़कियां पसंद करती हैं, ठीक है। तो अक्सर लड़कों की नज़र उस पर जाती है लेकिन लड़कियों की नज़र भी है उन पर जाती है कि आखिर उस लड़के में ऐसी कौन सी बात है जो सभी लड़कियां उसको पसंद करती हैं, सभी को उनसे बात करनी अच्छी लगती है, ठीक है। तो ऐसा करके भी आप लड़की को तड़पा सकते हो। इसके अलावा लड़की को आप जेलस फील कराने की कोशिश करो, जलाने की कोशिश करो। लड़की को जलाने के लिए क्या है, उसको भाव देना बंद कर दो, उससे बातचीत करना बंद कर दो, ठीक है। उसके सामने किसी और लड़की से बात तो करो, ठीक है, वो अगर साथ में बैठी हो उस लड़की से बात करो, बट उससे थोड़ा सा नज़रअंदाज करना शुरू कर दो। जब आप उसको वो जो अटेंशन आप पहले दे रहे थे वो नहीं दोगे, ठीक है, तो भी चांस है कि लड़की जो है कहीं ना कहीं आपके लिए तड़पे। इसके अलावा अगला काम आप ये कर सकते हो कि आप जो है ना अपना पूरा ध्यान जो है अपने करियर पर लगा सकते हो। देखो अगर हो सकता है कि लड़की ने आपको ये सोचकर ठुकरा दिया है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं हो, ठीक है, आपकी जॉब अच्छी नहीं है, आपका काम अच्छा नहीं है, ठीक है, आप स्टडी नहीं करते हो, तो अगर उस लड़की ने ये सोच के आपको ठुकराया ना तो आप जो है ना अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने की कोशिश करो ताकि उसकी नज़रों में आपकी इमेज जो पहले थी वो बिल्कुल अलग हो जाए, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर चुके, आपकी जॉब अच्छी हो गई, आपका करियर अच्छा हो चुका है, ठीक है, अब आप अच्छा कमाने लगे हो, तो ये चीज़ें देख कर भी एक लड़की आपको ठुकराने के बाद कहीं ना कहीं तड़पेगी कि मैंने गलती कर दी इस लड़के को ठुकरा के। तो यही सारे काम होते हैं, इन्हीं कामों के बाद आप एक लड़की को उस लड़की को तड़पा सकते हो जिसने आपको ठुकरा दिया है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।